आज हम नारियल की एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बहुत आसान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तुलसी और मेरे रसोई में आपका स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए मैंने दो नारियल लिया है। नारियल को मैंने तोड़ के सारे कली निकाल लिया है। नारियल को हम मीडियम साइज की कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने सारे नारियल को कद्दूकस कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे और नारियल को 4 से 5 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि नारियल में जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाए। नारियल हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को नारियल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे। अगर हम नारियल को पहले से रोस्ट नहीं करेंगे तो चीनी और नारियल से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा और चीनी को कैरेमलाइज होने में टाइम लगेगा, इसीलिए नारियल को पहले हल्का सा रोस्ट कर ले। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी डाल देंगे। अगर आप कम नारियल से ज़्यादा लड्डू बनाना चाहते हैं तो सूजी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आपको सूजी पसंद नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, नारियल हमारा डो का शेप लेने लगा है, तो ये रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। पूरी तरह ठंडा नहीं करना है। इसे अगर आप हाथ में छूकर देखोगे तो बहुत चिपचिपा लगेगा, तो ये आराम से लड्डू बनेगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। हाथ में लेने लायक नारियल ठंडा हो गया है। थोड़ा सा पानी हाथ में लगा लेंगे ताकि नारियल हाथ में ना चिपके। ऐसे दबाते हुए लड्डू बना लेंगे। अब जिस साइज में लड्डू बनाना चाहते हैं उसी साइज में बना लें। देखिए, मैंने सारे लड्डू बना लिया है। आप नारियल के लड्डू घर पे बनाएं। घर पे बनाए नारियल लड्डू का अलग ही टेस्ट होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।